गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ बस मैं एक आप लोग से एक आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। सो एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को तो पता ही है कि कुछ दिन से HS का जो रिज़ल्ट है, हायर सेकेंडरी, मुझे उसका फुल फॉर्म पता है, HS का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ट्रेंड पे है। लाइक हमेशा उसके न्यूज़ एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है। इवन मैंने इंग्लिश में पास भी किया था और मैं इंग्लिश में भी मैसेज भी टाइप कर पाती हूँ, तो फिर उसका भी कोई इशू नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है वो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। रुकिए एक मिनट, आवाज़ आ रहा है ना। सो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है कि कल रात 11:30 बज रहा था, माई मम्मा कॉल्ड मी अप। ऐसी रात को जनरली पता है शादी हो जाने के बाद मम्मी पापा का फ़ोन आता है, बेटियाँ भी फ़ोन करती हैं, मेरे पास भी फ़ोन आया। सो फर्स्ट उनका जो बात था, कैसी हो, खाना वाना खा लिया एंड एवरीथिंग, ओके ठीक है चलो नॉर्मल सा बात है। देन शी सेड, तुमसे एक बात पूछना था। हाँ बोलो, क्या पूछना है बताओ। एक तो कोई अगर ऐसे बोल दे कि तुमसे कुछ बात पूछना है, मेरा तो फटके हाथ में आ जाता है, अरे कौन सा कांड पकड़ा गया मेरा, मैंने क्या करके रखा था जो फिर लोगों को पता चल गया। वो बात अलग है कि मैं खुद करके खुद भूल जाती हूँ। इसका लाइव एग्जांपल बोल रही हूँ, इसका मतलब एक सर्वस्व में क्या बोलूँ, वर्ड में घोल के खा गई हूँ, बाद में बताऊँगी। सो जो बात हो रहा है उस टॉपिक पर बोलती हूँ। सो मम्मी बोल रही थी, तुमको हम दिन भर देखते थे बैठ के, किताब में मरती रहती थी, किताब में पढ़ती रहती थी, एक काम करने को बोल दो तो हज़ार बात मेरे को सुनाती थी। हाँ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, पढ़ाई है पढ़ाई है पढ़ाई है। ये कौन सा पढ़ाई की तुम की, तुमको एक सब्जेक्ट में भी लेटर नहीं मिला और यहाँ 6 के 6 सब्जेक्ट में बच्चों को लेटर मिल रहा है। हाँ आई वाज लाइक, मम्मी छोड़ो, जो हो गया हो गया, अभी का तुमको स्टडी सिस्टम पता नहीं है, ये तुमको नहीं, तुम न्यूज़, मैं मम्मी इज़ लाइक, तुम न्यूज़ का छोड़ो, तुम मेरे को बताओ कि तुमने किया क्या, तुमने पढ़ाई किया क्या, ट्यूशन किया क्या, एंड इतना जो मैंने पैसा वैसा खर्चा किया कहाँ है वो रिज़ल्ट। रात के 12 बज रहे थे, मेरा तो नींद उड़ गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो मम्मी क्या बोल रही है। माई मम्मी इज़ लाइक, दामाद जी को मत परेशान करो, हम अब उनको फ़ोन करेंगे कि उन्होंने क्या किया। मतलब नाउ वी आर वेल सेटल्ड, मेरा शादी हो चुका है, अब मैं दूसरों के बच्चे के बारे में नहीं सोच के खुद के बच्चों के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। सो अभी अगर मम्मी फ़ोन करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए अगर सुनाए तो वो फीलिंग कैसा है। बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, देख के मुझे जलन भी होता है, यार इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट। बस चल मम्मी, अभी हम लोग इतना जो भी है, वी आर सेटल्ड, हम लोग अपना जितना भी खर्चा है खुद उठा रहे, इस चीज़ का खुशी नहीं है। इस चीज़ को एक बार नहीं बोली मेरी मम्मी, नहीं प्राउड ऑफ यू, रिजल्ट क्यों खराब हो गया 12th में, 6 में 6 से में लेटर क्यों नहीं आया, इस चीज़ का दुख है। अगर आपके भी मम्मी पापा को इस चीज़ का दुख है तो बताइए और सल्यूशन मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद मम्मी ने गुस्सा से फ़ोन रख दिया और मैं भी रख के मैं आधा रात यही सोचती रही कि मैं इसका आंसर क्या दूँ। सुबह हो गया, अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि इसका आंसर क्या दूँ। चलिए आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। चलिए बाय बाय, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं बोलूँ क्या।